जिला हमीरपुर में 12 से 20 अप्रैल तक पॉलीथीन हटाओ तथा जिला को स्वच्छ व सुंदर बनाने के उद्देश्य से एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस संबंध में हमीर भवन में पॉलीथीन हटाओ देश बचाओ अभियान के अंतर्गत अतिरिक्त उपायुक्त रतन गौतम के अध्यक्षता में हमीर भवन में बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि इस अभियान का शुभारंभ नगर परिषद हमीरपुर से 12 अप्रैल को किया जाएगा। हर दिन नगर परिषद हमीरपुर प्रत्येक वार्ड में पॉलीथीन कलेक्शन को लेकर गतिविधियों को अंजाम देगी। जिला की प्रत्येक नगर पंचायत तथा नगर परिषद अपने अपने क्षेत्र में पॉलीथीन कलेक्शन सुनिश्चित बनाएगी तथा लोगों को पॉलीथीन का प्रयोग न करने को लेकर प्रेरित व जागरूक करेगी। नगर परिषद सुजानपुर तथा नादौन विशेष रूप से नगर परिषद एरिया के अतिरिक्त ब्यास नदी के किनारे तथा साथ लगती पंचायतों में पॉलीथीन कलेक्शन को प्राथमिकता प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि वन विभाग तथा लोक निर्माण विभाग भी अभियान के दौरान सड़कों तथा चिन्हित हॉटस्पॉट पर पॉलीथीन कलेक्शन सुनिश्चित बनाएंगे। अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि इस अभियान के दौरान प्रत्येक विभाग अपने अपने कार्यालय परिसर में भी साफ सफाई तथा पॉलीथीन इत्यादि को हटाना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग अभियान के प्रत्येक दिन की गतिविधि की प्रगति रिपोर्ट भी उन्हें भेजना सुनिश्चित बनाएंगे। उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अपने कार्यालय तथा अधीनस्थ कार्यालयों में सिंगल यूज प्लास्टिक जैसे पानी की बोतल, प्लास्टिक डस्टबिन, आर्टिफिशियल फूलदान बैनरों, प्लास्टिक गमलों इत्यादि के प्रयोग को भी प्रतिबंधित करना सुनिश्चित करें। उन्होंने नगर परिषद, नगर पंचायतों तथा संबंधित विकास खंड अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अपने क्षेत्र में तथा पंचायतों में भी कबाड़ियों के पंजीकरण को सुनिश्चित बनाएं। उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी जिला के सभी स्कूलों में पॉलीथीन हटाओ देश बचाओ अभियान के तहत विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को करने के निर्देश दिए हैं। आज पॉलीथीन हटाओ पर्यावरण बचाओ के मुद्दे के ऊपर बैठक का जिला स्तर पर आयोजन किया गया और सरकार के निर्णय के अनुसार 12 अप्रैल से 20 अप्रैल तक पॉलीथीन जो है वो पूरे क्षेत्र से हटाया जाएगा और उसको एकत्रित करके जो PWD के स्पोर्ट किया जाएगा, जिससे कि वो टारिंग में उसका उपयोग हो और जो पॉलीथीन टारिंग में उपयोग ना होने वाला हो उसे जो एकत्रित करके जो वो सीमेंट फैक्ट्री को भेजा जाएगा। और इसका मेन उद्देश्य ये है कि जो पर्यावरण को पॉलीथीन प्रदूषित कर रहा है और हमारे सड़कों के किनारे हमारी जो म्यूनिसिपल एरियाज़ में ग्रामीण क्षेत्रों में इधर उधर बिखरा पड़ा है और पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है, नदी नालों में के जल स्रोतों के इर्द गिर्द भी जो वो उसको प्रदूषित कर रहा है, उस सब को हटाया जाए और उसको कंपेन मोड में हटाया जाए। तो इसे कंपेन मोड में लेते हुए हम ये सारा एकत्रित करेंगे और इसका सही तरीके से निस्तारण जो है वो सुनिश्चित करवाएंगे। सर, प्रतिबंध के बावजूद भी रात के अंधेरे में पॉलीथीन हमीरपुर पहुंच रहा है काफ़ी, तो इसके लिए क्या कोई चर्चा में बैठे हुए, कैसे इस पर लगाम लगाएंगे? हाँ, इसके लिए भी जो सरकार के स्तर पर बहुत से विभागों को शक्तियाँ प्रदान की गई है कि वो समय समय पर इसका निरीक्षण करें और इसके ऊपर जो है वो चलानिंग और वो जो दूसरी प्रक्रिया है उसको अमल में लाएं और इसके बारे में भी निर्देश दिए गए कि वो इसकी औचक निरीक्षण करते हैं। उसमें भी जो हमारे सब्जी मंडी के जो ऑर्गेनाइजेशन है, APMC जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनसे जो है वो इसके बारे में सुनिश्चित करवाया जाएगा कि ये जो पॉलीथीन है इसका उपयोग ना हो और जो पॉलीथीन है उसके निस्तारण का भी वो प्रयास किया जाएगा। इस अवसर पर SDM हमीरपुर शशिपाल नेगी, SDM सुजानपुर शिवदेव सिंह, SDM नदौन दिले राम धीमान, परियोजना अधिकारी KD सिंह कंवर, VDO भोरंज कीर्ति चंदेल, VDO सुजानपुर मुनीश सोनी के अतिरिक्त विभिन्न विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे।